ओके, प्रोसेस कॉस्टिंग का बेसिकली क्या सीन है कि जब भी हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग फॉलो करते हैं तो हमारा मेनली ऑब्जेक्टिव होता है टू डिटरमिन कॉस्ट पर यूनिट। अब किस मटेरियल कितना लगना चाहिए, लेबर का टाइम कितना लगना चाहिए, फैक्ट्री का टाइम कितना लगना चाहिए, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने लगने चाहिए, तो हम कॉस्टिंग के लिए क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक यूनिट रखते हैं और जो प्रोडक्शन है वो यूनिट्स में ही मेजर की जाती है। अब उसके लिए हम करते क्या है कि स्पेसिफाई करके रखते हैं कि हमें कितने नंबर ऑफ यूनिट्स बनाने हैं और उस ही हिसाब से हम मटेरियल ऐड करते हैं, उस ही हिसाब से हम लेबर से काम लेते हैं, तो हम तमाम तर रिसोर्सेस आउटपुट को फोकस करके लगाते हैं। तो अगर हमने डिटरमिन कर लिया कि हमें इस महीने में 8,000 यूनिट्स बनाने हैं प्रोडक्ट एक्स के, तो हमारे लिए 8,000 का जो टारगेट है यूनिट्स बनाने का वो फिक्स्ड होगा, आउटपुट हमारा डिटरमिन्ड होगा और उस हिसाब से मटेरियल भी ऐड करेंगे, लेबर को भी काम देंगे और फैक्ट्री के आवर्स भी यूटिलाइज करेंगे। लेकिन वहां पे हमने जो आउटपुट है वो पहले से स्पेसिफाई किया हुआ है। अच्छा, वहां पे हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग फॉलो करते हैं। लेकिन अगर हम मकसद देखें प्रोसेस कॉस्टिंग का, तो प्रोसेस कॉस्टिंग कहां पे यूज होगी, इस केस में हमारा आउटपुट फोकस नहीं होगा बल्कि हमारी प्रोडक्शन है टाइम फोकस्ड, कि एक महीने में हम प्रोसेस चलाते जाएंगे, इनपुट दिए जाएंगे, लेबर से काम लिए जाएंगे, फैक्ट्री मशीन चलती जाएगी, फिर देखते हैं कि आउटपुट आता कितना है। तो नॉर्मली जो रिफाइनरी प्रोसेस है इसके अंदर हम क्या करते हैं, इनपुट दिए जाते हैं, लेबर काम किए जाता है, फैक्ट्री की मशीन चले जाती है और हम टाइम के बाद देखेंगे कि एक हफ्ते की शिफ्ट में या 15 दिन की शिफ्ट में या एक महीने की शिफ्ट में कितने यूनिट्स हम प्रोड्यूस कर सके। तो प्रोसेस कॉस्टिंग बेसिकली फॉलो की जाती है जहां प्रोडक्शन कंटिन्यूअस होती है और हम उसको टाइम में फोकस करते हैं कि 8 घंटे की शिफ्ट में या एक हफ्ते में या 15 दिन में या एक महीने में हमने प्रोसेस में कितना इनपुट किया और कितना आउटपुट लिया। तो रिफाइनरी प्रोसेस है या कोई फूड आइटम्स हम प्रोसेस करते हैं, इन चीजों में हम प्रोसेस कॉस्टिंग का यूज करेंगे। तो हमें बुनियादी तौर पे करना क्या है, हमने हमने टाइम स्पेसिफाई करना है कि एक सर्टेन टाइम के अंदर
हम कितना आउटपुट या कितना इनपुट लेते हैं देते हैं और कितना आउटपुट लेते हैं, तो उस पूरे प्रोसेस का खर्चा आउटपुट के ऊपर तकसीम करना होता है, वो हम करते हैं बाय मींस ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग। अच्छा, अब कुछ टर्म्स हम देखते हैं इसमें, उसके बाद चीजें आपको कुछ क्लियर होना स्टार्ट होंगी। पहला, एक वर्ड हम यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं नॉर्मल लॉस। व्हाट इज नॉर्मल लॉस? सर, जिसको हम अनअवॉइडेबल समझते हैं। जिसको हम अनअवॉइडेबल समझें, ओके। एनीवन एल्स, व्हाट इज नॉर्मल लॉस? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में, ओके, अनअवॉइडेबल लॉस। बेसिकली स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में हमने एक पढ़ा था डिफिकल्टी लेवल्स, कि स्टैंडर्ड को हम कितना मुश्किल लेवल पे सेट करते हैं, उसमें एक परसेंटेज अलाउ की जाती है कि प्रोसेस में जितना भी मटेरियल इनपुट किया जाएगा उसका सर्टेन परसेंटेज जाया हो जाएगा और आउटपुट श्रिंक होके निकलेगा या कम क्वांटिटी में निकलेगा। हाँ, एग्जैक्टली, ये तो होगा। रमशा की पॉइंट वैलिड है कि ये तो होगा। तो एक ऐसा लॉस है जो कि प्रोसेस का हिस्सा है, तो हम ये कह सकते हैं कि नॉर्मल लॉस में जो हमारे रिसोर्सेज वेस्ट होते हैं वो कंपनी की गफलत नहीं है, हमने जितना भी मटेरियल इसके ऊपर लगाया, लेबर ने जितने भी घंटे इस पे काम किया, फैक्ट्री के जितने भी मशीन आवर्स इसने यूज किए, और आखिर में ये जाया हो जाता है। अब जब जाया हो गया तो हमारी सारे रिसोर्सेस उसके ऊपर वेस्ट हो गए, लेकिन ये कंपनी की नेग्लिजेंस नहीं है। वो नुकसान जो के प्रोसेस का हिस्सा है उसको हम कहते हैं नॉर्मल लॉस। एक फैक्ट आप याद रखें अबाउट नॉर्मल लॉस, कि नॉर्मल लॉस कभी भी एक्चुअल नहीं होता। ये हमेशा एक्सपेक्टेड ही होता है। मसलन अज्यूम करें कि एक प्रोसेस हमने स्टार्ट किया और प्रोसेस में हमने इनपुट किए रॉ मटेरियल के 6000 किलोग्राम। मैनेजमेंट का मानना यह है कि 5% ऑफ इनपुट इज अलाउड, यानी ये तो नॉर्मली जाया होता ही होता है। तो अगर 6000 किलोग्राम्स मैं प्रोसेस में इनपुट करूं, उसका 5% तो मुझे पता है कि जाया तो होगा, तो मैं प्रोसेस से कितना आउटपुट एक्सपेक्ट कर रहा हूं? पांच हजार सात सौ एक्सपेक्टेड गुड आउटपुट हम कैलकुलेट करते हैं इनपुट में से नॉर्मल लॉस को माइनस करके। तो आपने देखा कि इनपुट हमारा हुआ है 6000 किलोग्राम्स का, जिसमें से 5% यानी
300 किलोग्राम लॉस एक्सपेक्टेड है, एक्सपेक्टेड है हाँ। तो इसका मकसद के प्रोसेस में से सालन कंडीशन में निकलेंगे 5,700 केजी, लेकिन प्रोसेस जब खत्म होता है, टाइम जब खत्म होता है, तो हम ये देखते हैं कि एक्चुअल आउटपुट आता है 5,550 केजी। हम आसरा किए हुए थे कि प्रोसेस में से 5,700 केजीज आएंगे, हम उनको बेचेंगे, पैसे कमाएंगे, शेयर होल्डर की वेल्थ बढ़ाएंगे, लेकिन प्रोसेस के आखिर में या टाइम के आखिर में हमें पता चलता है कि आउटपुट आया है 5,550 केजी का, तो एक्चुअल लॉस कितना हुआ है? जिसमें से एक्सपेक्टेड कितना था? 300 किलोग्राम। ठीक है सर, ओके। तीन सौ केजी जरूरत से ज्यादा कितना हुआ है? 450 किलोग्राम, लेकिन नॉर्मल लॉस हम कितने को कह रहे हैं? 300 को। जो ज्यादा नुकसान हुआ उसको हम नाम देते हैं एबनॉर्मल लॉस। What is abnormal loss? This is loss more than expected. तो हमारी एक्सपेक्टेशन से जितना भी ज्यादा नुकसान होगा उस लॉस को हम एबनॉर्मल लॉस कह देंगे। तो मैं जब कह रहा था कि नॉर्मल लॉस कभी भी एक्चुअल नहीं होता, वो हमेशा एक्सपेक्टेड ही होता है। तो जब आपका नुकसान हुआ 450, हकीकी नुकसान हुआ 450, फिर भी आपने नॉर्मल कितना कहा? 300। तो 150 केजीस एबनॉर्मल लॉस है। क्या ये नुकसान भी प्रोसेस का हिस्सा था? 150 केजीस एक्सपेक्टेशन से ज्यादा है, तो हम इसको ये नहीं कह सकते कि ये प्रोसेस का हिस्सा है। अगर इतना लॉस रेगुलरली होता ही है तो आप नॉर्मल लॉस की परसेंटेज बढ़ा दें, लेकिन जो भी नुकसान आपकी सोच से ज्यादा हुआ है आपके अलाउड नॉर्मल लॉस, हम ये नहीं कह सकते कि जो कि होता ही है इसको बचा नहीं सकते, इसको अवॉइड नहीं कर सकते। ऐसा मुमकिन है कि नॉर्मल लॉस को हम अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन जान लगानी पड़ जाएगी। तो मैनेजमेंट को के ऊपर हल्का हाथ रखने के लिए हम एक परसेंटेज अलाउ कर देते हैं कि चलो जानी तुझे इतना छोड़ा, यहां तक तुम्हें मैं अलाउ करता हूं कि अगर जाया होगा ना मैं तुम्हारे गले में नहीं डालूंगा। तो नॉर्मल लॉस ऐसा नहीं है जो अवॉइड नहीं किया जा सकता। नॉर्मल लॉस हम ये कह सकते हैं कि वो लॉस है जो हमें स्टैंडर्ड्स में अलाउ किया गया है। एग्जैक्टली बासित, अगर ये नुकसान रेगुलरली होता है तो आप मैनेजमेंट को इतना चैलेंज नहीं दे सकते।
क्योंकि मैनेजमेंट को अगर आप बहुत ज्यादा चैलेंज देंगे तो आपके स्टैंडर्ड्स फॉल्टी हो जाएंगे, मैनेजमेंट कभी भी उनको सीरियस नहीं लेगी। तो आपने उनको 5% तो अलाउ किया हुआ है, अगर 5% से ज्यादा उन्होंने नुकसान किया तो उसको हम नुकसान मानेंगे। एबनॉर्मल लॉस का हम क्या करेंगे कि इनके ऊपर जो भी हमने रिसोर्सेस वेस्ट किए तो रिसोर्सेस जो हमने इस लॉस के ऊपर यूज किए इसको हम लॉस ही मानते हैं। नॉर्मल लॉस तो क्योंकि हिस्सा है प्रोसेस का, इस वजह से उसको हम कभी भी लॉस नहीं मानते। अच्छा, इसी तरीके से अगर एक्चुअल आउटपुट आ जाता है पांच हजार आठ सौ का, तो आपका एक्चुअल लॉस कितना हुआ है? छह हजार के इनपुट में से 3000 केजी जाया होने थे, 5700 का आउटपुट आना था, लेकिन आपको मुबारक हो आउटपुट आया है 5800 का, तो एक्चुअल लॉस कितना हुआ? 200 केजी का, लेकिन नॉर्मल लॉस कभी भी एक्चुअल नहीं होता। नॉर्मल लॉस कितना था? 300 केजी। ये 300 केजी था, ये 300 केजी है और ये 300 केजी रहेगा। अब हम कह रहे यार फिर लॉस तो इतना हुआ ही नहीं, 100 केजी का नुकसान तो कम हुआ है, लेकिन नुकसान कम होने की वजह से हम नॉर्मल लॉस की वैल्यू कम नहीं कर देंगे, हम इसको नाम दे देंगे एज एबनॉर्मल गेन। अगर आपका एक्चुअल आउटपुट 5700 ही आ जाता, अगर आपका एक्चुअल आउटपुट 5700 ही आ जाता तो एक्चुअल लॉस कितना होता? 300, और नॉर्मल लॉस तो 300 था, 300 है, 300 रहेगा और कुछ भी एबनॉर्मल नहीं हुआ। तो तीनों सिचुएशंस में चाहे लॉस उतना ही हो जितना कि आपने सोचा था, चाहे लॉस उससे ज्यादा हो जाए जितना कि आपने सोचा था, चाहे लॉस कम हो जाए उससे कि जितना आपने सोचा था, नॉर्मल लॉस हमेशा एक्सपेक्टेड ही रहेगा। एक्चुअल के ज्यादा और कम होने से नॉर्मल लॉस कभी भी कम या ज्यादा नहीं होगा। अच्छा, अब होगा क्या? नॉर्मल लॉस के यूनिट्स को हम कभी भी नुकसान नहीं मानते, क्यों उसको नुकसान नहीं मानते? बिकॉज ये प्रोसेस का हिस्सा है। लेकिन इन यूनिट्स पे हमने मटेरियल तो जाया किया, लेबर तो जाया किया, फैक्ट्री के आवर्स तो जाया किए, इनके ऊपर जो भी हमारा खर्चा होता है, जो भी हमारा नुकसान होता है,
जो भी हमारे रिसोर्सेज वेस्ट होते हैं वो हम इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंस नहीं मानते बल्कि गुड आउटपुट को चार्ज कर लेते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आपने टर्म पढ़ा है टू कैपिटलाइज, करेक्ट। इसको हम फिनिश्ड इन्वेंटरी या इन्वेंटरी का हिस्सा मान लेते हैं। मसलन एक एग्जांपल लें, अगर हम गोल्ड का ज्वेलरी आइटम लेते हैं जिसका नेट वेट है 10 ग्राम, क्या सुनार आपसे 10 ग्राम के ही पैसे लेगा? अगर नहीं, ज्वेलरी आइटम तो है वो मजदूरी भी लेगा और अपना प्रॉफिट भी लेगा। प्रॉफिट तो बेसिकली वो नहीं लेता क्योंकि वो गोल्ड का जो रेट चल रहा होगा वही आपसे लेगा। आपको ये बेसिकली क्या चार्ज करेगा? पहली बात तो वो आपसे एक चार्ज करेगा मेकिंग, दूसरा आपसे ये चार्ज करेगा वेस्टेज। वेस्टेज का मकसद क्या है? बिलफर्ज वो हमें कहता है कि ये ज्वेलरी आइटम में 5% वेस्टेज है, तो 5% वेस्टेज का मकसद क्या होगा कि 10 ग्राम जो मैंने आपको दिए हैं ये 95% है। मैंने जो इनपुट किया था वो 100% था और उसका 5% जाया होके ये आउटपुट आया है, बाकी मेकिंग आपसे वो कॉस्ट में चार्ज करेगा। ये हो गया 0.526। तो हमसे जो गोल्डस्मिथ पेमेंट मांगेगा वो होगी 10.526 ग्राम्स की। आज अगर एक तोला चल रहा है 1,10,000 रुपए का और एक तोला होता है 12 ग्राम का, 11.some ग्राम्स होते हैं लेकिन लेट्स राउंड इट अप 12 ग्राम का रेट है और आपको दिए हैं 10.526 ग्राम्स की कॉस्ट, तो आपसे सुनार क्या रेट चार्ज करेगा? इस पे चार्ज करेगा मेकिंग भी, वो उसकी उसका प्रॉफिट होता है या उसकी लेबर होती है। तीन अलग अलग फिगर्स क्यों है भाई? 96,488 दो फिगर्स आ गई, हमास की और बासित की। ठीक है। अच्छा, तो अब आप बेसिकली इस बात पे बहस कर सकते थे कि यार आपने जो 0.526 ग्राम्स मुझे दिए ही नहीं है, आप उसके पैसे कैसे चार्ज कर रहे हैं? तो ये तो हम समझते हैं कि अगर हम उससे बिस्किट लेते थे, बिस्किट यानी उसमें किसी किस्म का कोई डिजाइन नहीं है, सीधा सीधा है, तो वो आप नेट और ग्रॉस एक ही बात होगी। लेकिन अगर आप उसको कहते हैं कि मुझे कोई ज्वेलरी आइटम बना दें, कोई रिंग बना दें, या लेट से कोई कंगन बना दें, या कोई नेकलेस बना दें, कोई टॉप्स बना दें, इयररिंग्स बना दें, तो जब वो उस बिस्किट को, उस रॉ को कन्वर्ट करता है इनटू अ डिजाइन,
तो बेसिकली उसकी जो वेस्टेज होती है वो वेस्टेज का खर्चा भी हम कस्टमर को चार्ज कर देते हैं, क्योंकि वो वेस्टेज बेसिकली उस सुनार की नेग्लिजेंस नहीं है, ना अहली नहीं है, गफलत नहीं है, लेकिन प्रोसेस का हिस्सा है। तो एक बात हमने अच्छे तरीके से देख ली कि नॉर्मल लॉस को हम कभी भी लॉस नहीं मानते हैं, बल्कि उसके ऊपर जाया होने वाला मटेरियल, लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड गुड आउटपुट को चार्ज कर दिया जाता है। प्रोसेस में कॉस्ट क्या क्या आती हैं? एक आती है कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल और दूसरी आती है कन्वर्जन कॉस्ट। कन्वर्जन कॉस्ट बेसिकली क्या है? कन्वर्जन कॉस्ट इज सम ऑफ लेबर एंड फैक्ट्री ओवरहेड्स। याद रहे फैक्ट्री ओवरहेड्स का जब मैं वर्ड यूज कर रहा हूं तो इसका मकसद उसमें वेरिएबल भी शामिल है, फिक्स भी शामिल है। ये बन जाएगी हमारी प्रोसेस कॉस्ट। तो पहला हमने ये देखा कि प्रोसेस में अगर हम इनपुट करते हैं और उसका कुछ हिस्सा जाया होना होता है, तो जितना हिस्सा हमने अलाउ किया हुआ है उसको हम कभी भी लॉस नहीं मानेंगे, बल्कि उसके ऊपर जाया होने वाले रिसोर्सेस को हम गुड आउटपुट को चार्ज करते हैं। अच्छा, अब क्या होता है? कि कभी कभी वो लॉस स्क्रैप हो जाता है, यानी कम कीमत पे बिक जाता है। अगर लॉस आपका कम वैल्यू पे ही सही लेकिन बिक सकता है, तो अगर कि वो नॉर्मल लॉस है क्या नॉर्मल लॉस ने अपना खर्चा भरा था? क्या नॉर्मल लॉस कभी अपना खर्चा भरता है? क्या नॉर्मल लॉस को हम कभी लॉस मानते हैं? तो जवाब था नहीं, हम नॉर्मल लॉस को कभी भी लॉस नहीं मानते हैं। नॉर्मल लॉस का खर्चा कौन भरता है? इन्वेंट्री, गुड आउटपुट। तो भाई जब नॉर्मल लॉस अपना खर्चा नहीं भरता, जब नॉर्मल लॉस का वजन गुड आउटपुट उठाता है, तो नॉर्मल लॉस से रिकवर होने वाली स्क्रैप वैल्यू का फायदा भी किसको मिलना चाहिए? आइए 16, आपको याद होगा ना कि हम जब प्री प्रोडक्शन टेस्टिंग करते हैं तो प्री प्रोडक्शन टेस्टिंग का खर्चा भी हम उस नॉन करंट एसेट, प्रॉपर्टी, प्लांट या इक्विपमेंट की कॉस्ट में कैपिटलाइज करते हैं। लेकिन अब जब स्क्रैप कर रहे हैं, जब बेच रहे हैं, जब वहां से इनकम आ रही है, तो उसको भी आप फायदा ना मानो। जब नुकसान को नुकसान नहीं मान रहे हो तो फायदे को फायदा ना मानो, फिर उसी को दे दो जिसने ये नुकसान भरा था। अच्छा, उसके लिए हम क्या करते हैं? अब जब हम कैलकुलेट करेंगे प्रोसेस कॉस्ट पर यूनिट, तो हम रखेंगे प्रोसेस कॉस्ट।
प्रोसेस कॉस्ट में क्या क्या आएगा? डायरेक्ट मटेरियल प्लस कन्वर्जन कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस वेरिएबल ओवरहेड्स प्लस फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड। याद रहे इन्वेंटरी वैल्यू में एब्जॉर्ब्ड जाता है, एक्चुअल नहीं जाता। एक्चुअल और एब्जॉर्ब में जो फर्क होता है अंडर या ओवर एब्जॉर्ब, वो प्रॉफिट लॉस में जाता है। प्रोसेस कॉस्ट में से हम माइनस कर देंगे स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस, और उसको हम डिवाइड कर देंगे एक्सपेक्टेड गुड आउटपुट से। अच्छा, इसी तरीके से अगर एबनॉर्मल लॉस हो जाता है तो भाई लॉस तो हर तरह नॉर्मल स्क्रैप हो सकता है, वहां एबनॉर्मल लॉस भी स्क्रैप हो सकता है, लेकिन एबनॉर्मल लॉस को हम क्या ट्रीट करते हैं? एक्सपेंस, करेक्ट। क्योंकि इसको आप प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस मान लेते हैं, तो इसमें से हासिल होने वाली स्क्रैप वैल्यू का फायदा किसको मिलना चाहिए? गुड आउटपुट को। तो उसके लिए यस, इसको हम अदर इनकम मानते हैं। तो हम क्या करते हैं, जो भी वैल्यू होती है एबनॉर्मल लॉस की, उसमें से माइनस करते हैं स्क्रैप वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल लॉस, और ये अमाउंट हम मान लेते हैं अपना प्रॉफिट लॉस में एक्सपेंस। ठीक हो गया? यहां तक बात क्लियर है कि नॉर्मल लॉस क्योंकि अपना वजन खुद नहीं उठाता, उसका वजन उठाता है गुड आउटपुट इन्वेंटरी, तो नॉर्मल लॉस से हासिल होने वाली स्क्रैप वैल्यू भी गुड आउटपुट को रिलीफ की हैसियत में मिलनी चाहिए। प्रोसी लिमिटेड एक प्रोडक्शन स्टार्ट करती है सैनिटाइजर की, टाइम स्पेसिफाई करेंगे, लेट्स से हमें पता चलता है जून में हमने 16,000 लीटर से प्रोसेस स्टार्ट किया, और वो रॉ मटेरियल हमें 1 लीटर पड़ रहा था, ₹180 का।
हमें ये पता है कि इनपुट का 2% प्रोसेस के दौरान जाया हो जाता है। लेबर को करीबन 10 लीटर पे 1 घंटा चाहिए और लेबर को हम पे करते हैं बिल फर्स्ट 800 रुपए पर आवर। फैक्ट्री ओवरहेड लेट्स से हम एब्सॉर्ब करते हैं एट 40% ऑफ लेबर कॉस्ट। जो भी वेस्टेज होती है उसको हम 90 रुपए लीटर के हिसाब से स्क्रैप कर देते हैं। क्या होगा अगर हमें यह पता चल जाए कि प्रोसेस के आखिर में ₹15,780 का एक्चुअल आउटपुट आया है तो हम पहले देखेंगे इनपुट और आउटपुट। आपने मटेरियल कितना इनपुट किया था लीटर्स में? हमने प्रोसेस स्टार्ट किया था 16,000 लीटर से और इसमें से जाया कितना होना था 2% कितना बनेगा 320। अगर 16,000 में से 320 जाया होने थे तो प्रोसेस से आउटपुट कितना आना चाहिए था? अगर आउटपुट आया है 15,580 तो नुकसान ज्यादा हुआ है या कम हुआ है? कितना ज्यादा हुआ है 100 का, इसको हम क्या नाम देंगे? एज एबनॉर्मल लॉस। अच्छा, अब हम कैलकुलेट करते हैं प्रोसेस
प्रोसेस कॉस्ट पर लीटर, तो हमारी प्रोसेस कॉस्ट कितनी है? प्रोसेस में एक आ गया हमारा डायरेक्ट मटेरियल, दूसरा डायरेक्ट लेबर, तीसरा फैक्ट्री ओवरहेड्स। मटेरियल का खर्चा कितना है? 16,000 लीटर इनपुट किए हैं, 180 रुपए का एक लीटर है, ₹2,880,000, 28,80,000। ठीक, लेबर आवर्स कितने हैं? लेबर वर्क्स 1 hour per 10 liters, तो 16,000 divided by 10 liters, क्योंकि हर 10 liter पे एक घंटा है, और एक आर की पेमेंट हम कितनी कर रहे हैं? 800 रुपए। क्या आपने मुझे बताया 12,80,000? और फैक्ट्री ओवरहेड एब्जॉर्ब करने का क्या तरीका है? 40% ऑफ लेबर कॉस्ट, तो 12,80,000 का 40% कितना बनेगा? 5,12,000। टोटल प्रोसेस कॉस्ट कितनी है? 4,672,000। ये हो गया हमारी प्रोसेस कॉस्ट। ₹4,672,000 माइनस स्क्रैप वैल्यू करेंगे नॉर्मल लॉस की। हम हर लीटर को कितने में स्क्रैप करते हैं? 90 रुपए में। तो 320 माइनस मल्टीप्लाई बाय 90, ₹320 है और हर लीटर 90 रुपए में, ये 28,800। हालांकि मैं स्क्रैप करूंगा 420 लीटर नॉर्मल भी हैं, लेकिन 100 का रिलीफ मैं प्रोसेस कॉस्ट को क्यों दूं? इसको डिवाइड किससे करेंगे? एक है एक्सपेक्टेड गुड आउटपुट और एक है एक्चुअल गुड आउटपुट। अगर मैं इसको एक्चुअल गुड आउटपुट से डिवाइड कर दूंगा तो एबनॉर्मल लॉस का खर्चा भी तकसीम हो जाएगा। इसीलिए एबनॉर्मल लॉस को आजाद ना करो, एबनॉर्मल लॉस को आउटपुट में रहने दो, डिनोमिनेटर में रहने दो, क्योंकि उसको भी शेयर भरना है। तो हम उसको डिवाइड करेंगे विद एक्सपेक्टेड गुड आउटपुट 15,680। याद रहे 680 में एबनॉर्मल के 100 यूनिट्स भी शामिल हैं।
अगर हम एक्चुअल गुड आउटपुट से डिवाइड कर देंगे तो एबनॉर्मल लॉस के 100 यूनिट्स आजाद हो जाएंगे, उनके ऊपर कोई कॉस्ट नहीं जा पाएगी, जबकि उनको आजाद नहीं करना है। पर यूनिट कॉस्ट है 296.122। लीटर। अच्छा, अब हम इसकी करेंगे वैल्यूएशन। वैल्यूएशन में एक तो हम रिकॉर्ड करेंगे फिनिश गुड्स। गुड आउटपुट कितना है? 15,580। और एक लीटर है 296.122 का, हमारी इन्वेंट्री की वैल्यू क्या बनी? ये बनेगी हमारी इन्वेंट्री, फिलहाल हमारे एसेट्स में रहेगी, जब बिकेगा तो इसको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ट्रांसफर कर देंगे। सर 4,613,580। 4,613,580। ये बनेगी हमारी इन्वेंट्री। इन्वेंट्री का मकसद क्या है? ये अभी हमारी बैलेंस शीट में रहेगी एज एन इन्वेंट्री। इसमें से जो जो बिकती जाएगी वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में चार्ज होती जाएगी मैचिंग कॉन्सेप्ट के तहत। लेकिन सौ यूनिट्स हमारे जरूरत से ज्यादा जाया हुए हैं और हर यूनिट पे हमारा खर्चा कितना है? 296.122। तो 100 से मल्टीप्लाई करें तो ये कितना आ जाएगा? 29,612.2। अब हम बनाते हैं इसका प्रोसेस अकाउंट। प्रोसेस अकाउंट में क्या होगा? डेबिट साइड पे हम रखेंगे इनपुट्स, और क्रेडिट साइड पे हम रखेंगे आउटपुट्स नहीं बल्कि एलोकेशंस। ठीक है, डेबिट पे आएंगे इनपुट्स, क्रेडिट साइड पे आएंगी एलोकेशंस। दो दो कॉलम बनेंगे, एक कॉलम बनेगा फॉर क्वांटिटी और एक बनेगा फॉर करेंसी। क्रेडिट पे भी एक बनेगा फॉर क्वांटिटी और दूसरा बनेगा फॉर करेंसी। डेबिट साइड पे हमने एक इनपुट दिया है डायरेक्ट मटेरियल का,
ठीक है, या हमने इनपुट दिया है 16,000 लीटर्स का और पैसों में था 28,80,000 रुपए का। उसके अलावा हमने कन्वर्जन कॉस्ट में इनपुट दिया है लेबर का, लेकिन लेबर का भी लेबर काम जरूर करके देगा लेकिन वजन में इजाफा नहीं होगा। तो लेबर हमने दिया है 12,80,000 का, और तीसरा है फैक्ट्री ओवरहेड, ये भी वजन में इजाफा नहीं करता और उसकी कॉस्ट है 5,00,000। क्रेडिट पे हम आउटपुट नहीं देंगे, हम एलोकेशंस देंगे। एक है नॉर्मल लॉस, दूसरा है एबनॉर्मल लॉस, तीसरा है फिनिश गुड्स। नॉर्मल लॉस कितना एक्सपेक्टेड है? 320। और नॉर्मल लॉस हमेशा एक्सपेक्टेड ही रहता है, एक्चुअल कभी भी नहीं आता। नॉर्मल लॉस को कॉस्ट तो एलोकेट नहीं होगी लेकिन अपनी स्क्रैप वैल्यू जरूर भर के देगा। इसकी स्क्रैप वैल्यू आपने निकाली थी 28,800 रुपए। प्रोसेस की कॉस्ट एलोकेट की जाएगी ओवर एबनॉर्मल लॉस एंड फिनिश गुड्स। एबनॉर्मल लॉस के यूनिट्स है 100 और उसकी कॉस्ट है 29,612। और फिनिश गुड्स है 15,580 लीटर्स और उसकी वैल्यू आपने की है 4,613,000। डेबिट साइड को टोटल करें, तो वॉल्यूम तो 16,000 का ही है, क्वांटिटी 4,672,000 का। क्रेडिट साइड पे क्वांटिटी की वैल्यू कितनी है? 16,000 और रुपीज में 4,671।
992। ये 8 रुपए का जो फर्क है ये बेसिकली राउंड अप डिफरेंस है। ठीक है, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं यहां तक? एग्जाम्पल देता हूं आपको, लेट्स से एक कंपनी है जो कि मिन्स चिकन बनाती है, टाइम पीरियड है जुलाई का फर्स्ट वीक, हमने 9000 केजी चिकन के इनपुट किए हैं, मिंसिंग प्रोसेस में और लेट्स से 320 रुपए किलो के हिसाब से। अच्छा, अब के बार ऐसा है कि हमारे इनपुट का 18% वेस्ट हो रहा है, ओके, और अब इसको हम स्क्रैप करते हैं, लेट्स से 160 रुपए केजी के हिसाब से। ओके, लेवर को चिकन काटने में 1 किलो काटने में 15 मिनट लग जाते हैं, और इसको हम पे करते हैं, लेट्स से फॉर इंस्टेंस 900 रुपए केजी। फैक्ट्री ओवरहेड्स आर 20% ऑफ लेबर कॉस्ट। ओके, अज्यूम
अगर प्रोसेस का एक्चुअल आउटपुट आता है सात हजार दो सौ, सात हजार दो सौ केजी कीमा आता है, तो आप की रिक्वायरमेंट है कि आप मुझे मिंसिंग प्रोसेस का प्रोसेस अकाउंट बना के दें। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप ट्राई कर लेंगे। ओके, तो मैं आज इसको यहां पे रख रहा हूं, ये क्वेश्चन आप लोगों को अभी अभी शेयर कर रहा हूं। एहतियातन अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले लें। ठीक है, बेहतरीन, लिख लिया। तो आप मुझे ये सॉल्व करके फिर ग्रुप पे शेयर करिएगा। आज हमने एबनॉर्मल लॉस वाला एरिया कवर किया है, अभी ये प्रोसेस कॉस्टिंग का बिल्कुल बेसिक है, लेकिन आई वुड रिकमेंड यू कि इसको आप जितना लॉजिकली समझ सकते हो उतना लॉजिकली समझना, ताकि आगे जब हम प्रोसेस कॉस्टिंग के एडवांस लेवल पे आएंगे तो आप लोगों को ज्यादा परेशानी ना हो। अगर आप प्रोसेस कॉस्टिंग को सिर्फ रट्टा या कैलकुलेशन के हिसाब से समझेंगे कि इसको इससे मल्टीप्लाई करना होता है, इसको इससे प्लस करना होता है, तो एग्जामिनर आपको घुमा सकता है। इसलिए बेहतर है कि आप उसको लॉजिकली समझते चलें कि हम क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्यों माइनस कर रहे हैं, क्यों डिवाइड कर रहे हैं, ताकि एग्जामिनर को घुमाए तो हम लॉजिक्स का दामन नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, या आप अटेम्प्ट करके इसका प्रोसेस अकाउंट बैलेंस करके मुझे ग्रुप पे भेजें या प्राइवेट मैसेज में हम इसके एबनॉर्मल गेन को कवर करेंगे, उसके बाद हम इसके टफ एरिया पे चलेंगे वर्क इन प्रोग्रेस के ऊपर। ठीक है, इंशाल्लाह फिर अपनी नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है। मैं देखता हूं अगर हम कल का स्केड्यूल कर सके तो कोई दूसरा टाइम स्केड्यूल कर लेंगे, अदरवाइज कल, क्योंकि इस टाइम पे